दोस्तों, जब भी कोई हम एक नया कूलर खरीदने की सोचते हैं या फिर दुकान में जाते हैं खरीदने के लिए, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं एक साथ। उनमें से एक महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि हमें कूलर कौन सी लेनी चाहिए, ब्लोअर वाले कूलर लेनी चाहिए या फिर एग्जॉस्ट फैन वाले कूलर लेने चाहिए। दुकानदार ये कहते हैं कि भैया दोनों कूलर अच्छे हैं, आप कोई से भी ले लो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हमें अपना दिमाग लगाना है, हमें अपने जरूरत के हिसाब से कौन सा कूलर मेरे लिए फिट होने वाला है हमें ये डिसाइड करना है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लोअर वाले कूलर और एग्जॉस्ट फैन वाले कूलर में क्या अंतर होता है, इन दोनों के बीच एक कंपैरिजन करेंगे कि हमारी जरूरत के हिसाब से हमें कौन सा कूलर लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हो कोजी संतोष। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके अपने भाई को सपोर्ट करें। दोस्तों, एक नया कूलर खरीदते समय यह इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमें कौन सा कूलर लेना चाहिए, ब्लोअर वाला कूलर लेना चाहिए या फिर एग्जॉस्ट फैन वाला कूलर लेना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है और कौन सा कूलर किसके लिए परफेक्ट होता है। तो दोस्तों, इस कंपैरिजन को हम चार पॉइंट से समझेंगे। इसमें सबसे पहला कंपैरिजन होता है एयर थ्रो का। दोस्तों, अगर बात एयर थ्रो की होता है, यहाँ पे ब्लोअर वाले कूलर का एयर थ्रो बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ब्लोअर वाला फैन एक मैकेनिज्म फैन होता है, वो हवा को अंदर घुमा घुमा कर थ्रो करता है, फेंकता है एक पॉइंटेड जगह पे, तो हमें ऐसा फील होता है कि इसकी हवा काफी तेज आ रही है। एक छोटा सा उदाहरण देके समझाऊंगा। अगर आप अपने हथेली पर एक फूंक मारेंगे तो वो हवा पूरे हथेली पर जाकर फैलती है और आपको हल्की सी हवा महसूस होती है। लेकिन अगर आप एक पाइप लेके मुंह में और उस पाइप के जरिए अगर फूंक मारते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया पे जब हवा लगता है तो काफी तेज लगता है। तो दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट होता है ब्लोअर वाले फैन और एग्जॉस्ट वाले फैन पे। तो ब्लोअर वाले फैन में पॉइंटेड हवा जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें हवा काफी तेज मिल रही है, और वहीं पे जो एग्जॉस्ट फैन वाले कूलर होते हैं वो हवा को काफी फैला के फेंकते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसकी हवा उससे कम आ रही है। तो दोस्तों, अगर एयर थ्रो की बात करें तो यहाँ पे ब्लोअर वाले कूलर का एयर थ्रो वाकई ज्यादा होता है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट होता है कूलिंग का। दोस्तों, कूलिंग भी एयर थ्रो पे ही डिपेंड करती है। जिसकी एयर थ्रो ज्यादा बढ़िया होती है उसकी कूलिंग भी उतनी ज्यादा बढ़िया होती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ब्लोअर वाले कूलर का एयर थ्रो काफी बढ़िया होता है, काफी तेज होता है, तो हमें लगता है कि उसकी कूलिंग और भी ज्यादा बढ़िया होती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्लोअर वाले कूलर एक पॉइंटेड हवा थ्रो करता है तो जहां पे हमें लगता है तो हमें लगता है कि ज्यादा तेज हवा लग रहा है और काफी तेज हवा के साथ ठंडापन ज्यादा मिलती है। लेकिन दोस्तों, जो एग्जॉस्ट फैन वाले कूलर होते हैं वो एक ज्यादा एरिया कवर करते हैं, हवा को फैला कर फेंकते हैं, तो उसकी नमी चारों तरफ, उसकी कूलिंग चारों तरफ पड़ती है, तो वहां पे हमें ये महसूस होता है कि ब्लोअर वाले कूलर के अपेक्षा में फैन वाले कूलर कम कूलिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। कूलिंग के मामले में दोनों कूलर की कूलिंग बराबर होती है। एग्जॉस्ट फैन वाले कूलर में भी उतनी कूलिंग होती है जितने की ब्लोअर वाले कूलर में होती है। दोस्तों, इसका तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है नॉइज लेवल का। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों कूलर शोर कितना करते हैं। तो दोस्तों, अगर नॉइज लेवल की बात की जाए तो यहाँ पे जो ब्लोअर वाला कूलर है वो काफी नॉइज करता है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ब्लोअर एक मैकेनिज्म होता है और जब वो हवा को अपने अंदर घुमाता है, सर्कुलेट करता है, तो वहां पे एक आवाज पैदा होती है। जबकि ऐसा एग्जॉस्ट फैन वाले कूलर में नहीं होता है, उसका फैन काफी स्मूथली चलता है और वो कम शोर करता है। तो अगर नॉइज लेवल की बात की जाए तो यहाँ पे ब्लोअर वाले कूलर का नॉइज लेवल काफी ज्यादा होता है एग्जॉस्ट फैन वाले कूलर से। दोस्तों, चौथा लास्ट पॉइंट होता है मेंटेनेंस का। दोस्तों, ब्लोअर वाले कूलर का मेंटेनेंस काफी हाई होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे मशीन अंदर लगे हुए थे, मैकेनिज्म लगे होते हैं, उसके अपेक्षा में फैन वाले कूलर का मेंटेनेंस बहुत कम होता है क्योंकि उसमें सिर्फ एक फैन लगा होता है, मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं होता है। दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि किन्हें ब्लोअर वाला कूलर लेना चाहिए और किन्हें एग्जॉस्ट फैन वाला कूलर लेना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ब्लोअर वाले कूलर पॉइंटेड हवा फेंकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको एक लिमिट एरिया के लिए अगर कूलिंग कराना है, जैसे कि एक छोटी सी दुकान है या फिर एक ऐसा घर जिसकी एरिया काफी छोटी है और आपको सिर्फ अपने ऊपर हवा लेनी है या फिर ज्यादा से ज्यादा दो लोगों के ऊपर हवा लेनी है, और अगर आप नॉइज लेवल को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो आपके लिए सबसे बेटर होगा कि आप ब्लोअर वाले कूलर लें, क्योंकि उसका पॉइंटेड हवा होता है, एयर फ्लो भी काफी तेज होता है, कूलिंग भी तेज होती है। हाँ, थोड़ा शोर करता है बट चलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक हॉल के लिए कूलर लेना चाहते हैं, एक बड़े रूम के लिए कूलर लेना चाहते हैं, तो वहां पे आपको ब्लोअर वाला कूलर न लेके
एक डेजर्ट कूलर लेना चाहिए और वो भी एग्जॉस्ट फैन वाला कूलर लेना चाहिए। यहाँ पे आपको काफी फैला कर हवा मिलती है और उसका नॉइज लेवल भी काफी कम होता है। तो कुल मिला जुला कर बात ये है कि अगर आप पर्सनल कूलर लेना चाहते हैं, पर्सनल यूज के लिए लेना चाहते हैं, कम स्पेस के लिए लेना चाहते हैं और अगर आपको नॉइज लेवल से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है तो मैं कहूंगा कि आप ब्लोअर वाले कूलर लें। और अगर आप एक बड़े एरिया के लिए कूलर लेना चाहते हैं और आपको नॉइज लेवल कम चाहिए दोस्तों, मैं कहूंगा आप एग्जॉस्ट फैन वाले कूलर लें क्योंकि उसका नॉइज लेवल काफी कम होता है और वो काफी बड़े एरिया को कवर करता है। दोस्तों ये था कंपैरिजन ब्लोअर वाले कूलर में और एग्जॉस्ट फैन वाले कूलर में। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर दिएगा, दोस्तों को शेयर कर दिएगा, प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।